प्रथम तहलका न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने कृषि अध्यादेश को काला कानून कहा है। कृषि अध्यादेश को लेकर भाजपा की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि छुट्टी के दिन राज्यसभा में काला कानून वापस हुआ है और 3 कृषि अध्यादेश किसान विरोधी है और सरकार को इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने कृषि अध्यादेश को काला कानून कहा है। उन्होंने कृषि अध्यादेशों के बहाने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि छुट्टी के दिन राज्यसभा में काला कानून पास हुआ है। उन्होंने 3 कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बताया और ये भी कहा कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है कांग्रेस नेता किरण चौधरी का। देश के इतिहास में आज काला दिन है। आज किसान के विरोध में उसको गुलामी के लिए कानून पेश किया जा रहा है। ये पहला मौका है देश की आज़ादी के बाद जब राज्यसभा के अंदर इतवार के दिन ये कानून पेश करा गया है, ताकि इसको फटाफट जो है पेश करके और इसको जो है पार करें और किसान के हितों को पूरी तरह से मारें। पहले ही कोरोना महामारी के दौरान इसको पेश करा गया, ताकि जो है कोई ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ ना उठा पाए। और उसके बाद अब राज्यसभा में और लोकसभा में जिस तरह से पेश करा जा रहा है ये सबके सामने, ये सरकार जो है हर चीज़ का निजीकरण कर रही है और अब किसानी का भी निजीकरण को करने की तरफ ये बढ़ रही है। मैं इसके पूरे विरुद्ध में हूँ। कांग्रेस पार्टी इसके विरुद्ध में है और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग तैयार हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन सरकार हरियाणा के अंदर जो चल रही है, इसको चेताना चाहती हूँ कि किसान हितों के विरुद्ध आपने जो कार्य करा है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र के अंदर भी भुगतना पड़ेगा। और साथ के साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसानियत है तो इसके कानून का विरोध कीजिए, ताकि किसान भाई जो है, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे भंडारण बढ़ता है, उसका जो है नुकसान ना हो, उसका नाश ना हो। जो काम जो है ये तीनों कानून जो हैं काले, ये करेंगे।